हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी रहेगी, शेयर से धन अर्जित करेंगे या लॉ के फील्ड से धन अर्जित करेंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपकी माली हालत कैसी होगी, विदेश यात्रा का क्या योग है, आयात निर्यात से क्या लाभ होने वाला है, आप मेडिकल के फील्ड में जाएंगे या टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, पत्नी से कैसे संबंध रहेंगे, मित्रों से क्या भूमिका रहेगी, हेल्थ वेल्थ आपका कैसा रहेगा, और आज आपको माइंस से धन मिलेगा या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, नौकरी करने वाले हैं या विदेश यात्रा करने जाने वाले हैं, इनकम का जरिया क्या होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको भी बताएंगे कि क्या सावधानियाँ बरतें, क्या उपाय करें, और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, महिला मित्र से आपको कितना सावधानी बरतनी है, और आज आपके साथ कौन सी घटना घट सकती है, उसमें कितने केयरफुल रहें, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शेयर से, ट्रेडिंग से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप कहानी लिखना चाहते हैं, पुस्तक लिखना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन आपका बहुत बेहतरीन है। चतुर्दिक प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। हेल्थ वेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, तो हेल्थ और वेल्थ को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्लाइंड ट्रस्ट अगर किसी पर करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका जो विजन है, आइडिया है, वो इम्प्लीमेंट होने का समय चल रहा है। यदि आप ट्रेडिंग में, शेयर में, कंस्ट्रक्शन में, माइंस में या आयात निर्यात में, इस फील्ड में अगर आप कोई बड़ा कार्य करने का प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो उसको तत्काल प्रभाव से कार्य रूप में परिणत करने की जरूरत है, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। यह ध्यान रखना है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति से कोई भी साझेदारी में डील नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आज अगर कहीं डील करते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके पैसे फंस सकते हैं। भाइयों का सुख मिलेगा, पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने में सफल रहेंगे। माता का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, पिता के सहयोग से कोई बड़ा कार्य हो सकता है। प्रॉपर्टी इत्यादि में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। गाड़ी इत्यादि अपने खरीदने की प्लान करिए तो अभी थोड़ा सा गाड़ी खरीदने से परहेज करें, नहीं तो उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कोई भी लिटिगेशन इत्यादि से बचना है, झगड़े विवाद से बचें। मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा। आप अपने मन की बात मन में रखें, किसी को शेयर करेंगे तो कार्य होते हुए भी रुक सकता है। पत्नी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। पत्नी से नए तरह के कार्य हो सकते हैं। पत्नी का आप सहयोग करेंगे, पत्नी आपकी सहयोग करेंगे, दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। पत्नी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, भाग्य से इनके सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। पिता का सुख मिलेगा, चतुर्दिक तरीके से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि बहुत ज़्यादा किसी पर अंधविश्वास करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उपाय क्या करना, आज आप क्या करें कि भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, पंचमेवा का खीर अर्पित करें और सिद्ध कुंजी का अर्गला का स्त्रोत्र का अगर आप जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग है श्री ग्रीन। हरे कृष्ण।